अहबाब का यहाँ तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, खसूसन जो तमाम दोस्त स्टेज पर बैठे हैं, जनाब चौधरी नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, अरशद अवान साहब, ब्रिगेडियर शाहराम साहब, फिर हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं बैरियर टाउन से, ये यहाँ पे विज़िट के लिए आए थे, हुसैन मुगल साहब उनके लीगल डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिर बाकी सारी टीम सप्तान साहब, प्राचा साहब, खालिद साहब, शनसार साहब और लीगल डिपार्टमेंट से जुल्फ़कार साहब और तेरा नाम भूल गया, नाम बता दे यार अपना, लियाकत साहब, वली साहब तशरीफ़ रखते हैं, हसीब साहब, हमज़ा भाई बैठे हुए हैं, और आप तमाम अहबाब, सब का नाम लेना मुमकिन नहीं लेकिन सब हीरे हैं और जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन शहदा की फातिहा से करना चाहूँगा जो चार जाने यहाँ पर हमारे दुश्मनों के गलत अजाइम की भेंट चढ़ी, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनका खून जो है वो कबूल किया है और वो शहादत के आला दर्जे पर फायज़ हुए हैं। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए फातिहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद आमीन। वो शहदा जिन्होंने जहाँ पे अपनी जान अल्लाह पाक के सपुर्द की, वो अपने घर से रोज़ी रोटी के लिए या किसी नेक मकसद के लिए निकले थे और फिर वो अपने घर नहीं जा सके, और हम उनका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं झुका सकेंगे। हम जो मर्ज़ी कहें उनकी फैमिली की तसल्ली के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए, हम नदीम साहब बहुत काइंड हैं, नईम साहब बहुत काइंड हैं, उनके घर हर दफ़ा तशरीफ़ लेके गए और जो माली तौर पर मदद कर सकते थे वो की, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी भी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकते जो ख़ुद अगर मौजूद हो उनके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। तो हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि ऐसा कोई हादसा दोबारा यहाँ पेश ना आए, और उसके लिए ये मैनेजमेंट बिलखसूस नईम एजाज साहब, जब भी कोई मामला यहाँ साइट पे होता है, चूँकि ये डेवलपमेंट का बिज़नेस है, लैंड एक्विजिशन का बिज़नेस है, और जिस इलाके में हम मौजूद हैं वहाँ कुछ पुराने ट्रेडिशंस इस तरह के हैं लैंड एक्विजिशन के कि उनमें ये मामलात कभी ना कभी आपके सामने खड़े होते हैं। और जिस जाँफिशानी से, जिस बहादुरी से नईम एजाज साहब और उनकी टीम और उनकी जो रुफ़ाका हैं, जो उनकी समझ लें कि तहफ़ुज़ पे मामूर जो अफराद हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो हर वक्त इनके साथ मौजूद होते हैं, इनके दोस्त हैं, इनके साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं और नदीम एजाज साहब के साथ चल रहे हैं, वो बहुत कह लें जाँफिशानी से, बहादुरी से ये जो सारा काम हो रहा है इसका तहफ़ुज़ वो लोग करते हैं, और सबसे पहले अगर कोई गोली चलती है तो उनका सीना सबसे सामने होता है। और मैं हमेशा ये देखा है कि जब भी साइट पे कोई मामला हुआ तो क्योंकि पहली शख्सियत मैनेजमेंट में से वहाँ पहुँचती है तो वो नईम एजाज सब खुद होते हैं, और ये इस बात की दलील है कि हम ठीक है कारोबार के लिए जान हथेली पे रखना इतना को मुनासिब फेल नहीं है, लेकिन जब कोई दुश्मन, कोई डाकू आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए और नाहक आपकी माल और असबाब को लूटने पे लगा हो तो वहाँ पर उसकी हिफाजत करना भी फ़र्ज़ हो जाता है। और वो फ़रज़ नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, इनके भाई वसीम एजाज साहब, आप यहाँ 700 के करीब लोग बैठे हुए हैं, आपको शायद इस वाक़े का नहीं पता, जिस वक्त हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो नईम एजाज साहब से हाल की मार्केट में खड़े थे और उनकी पेट में क्लाशनकोफ के फायर लगे थे, और वो आज तक हम नहीं जान सके कि किस तरफ से फायर आया था। तो वो दिन भी नदीम एजाज साहब ने देखा जब उनका भाई उनकी आंखों के सामने खून में लथपथ पड़ा था और ये उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, मैं उस वक्त इतफाक़न मुल्क से बाहर था और ये वकूआ भी हुआ। तो ये सारा कुछ इन्होंने अपनी फैमिली में होते देखा है और फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये नहीं कि हम बाकियों का दर्द नहीं समझते और हमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये इस इलाके की एक
मजबूरी है जो हम सबको फेस करना पड़ रही। कोई भी जानबूझ के किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे इंसानी जान जाए, और रोज़े मैशर जो है हमें अल्लाह पाक के हाँ उसकी कोई कारोबारी वजह बयान करनी पड़े। तो मैं उन तमाम शुहदा के लिए और उन गार्ड्स की टीम के लिए, उन साथियों के लिए जिनमें तारिक साहब इनके अजीज़ हैं, वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं साइट पे, तो उन सब के लिए मैं चाहूँगा और उनकी पूरी फैमिली के लिए कि आप लोग एक दफ़ा खड़े होकर भरपूर तालियों के साथ जो है वो खराज तहसीन पेश करें। जज़ाकल्लाह जी बैठ। उसके बाद चूँकि ज़मीन इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है, बेसिस है, उसके बाद जो सबसे अहम काम है जो यहाँ पे ऑन साइट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट टीम का है, और डेवलपमेंट टीम को जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मुहैया करने के लिए हमारे ऑफिसेज में बैठी मार्केटिंग की टीम्स हैं, अकाउंट्स की टीम्स हैं, ऑपरेशंस की टीम्स हैं, आईटी की टीम्स हैं, तो ये सब बहुत जाँफिशानी से अपना अपना काम कर रहे हैं। सबकी तफसील में जाना मुमकिन नहीं, लेकिन चूँकि आज यहाँ पे हमने साइट पे फंक्शन किया और डेवलपमेंट की टीम और सिक्योरिटी की टीम और सारे लोग जो लैंड एक्विजिशन को देखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तो बिलखसूस उनका ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं चूँकि साइट पर जो मुश्किल उनको फ़ेस करना पड़ती हैं वो हमारे ऑफिस में बैठे दोस्तों को नहीं करना पड़ती, तो उनकी खातिर हम चंद अल्फाज ज़्यादा आज गुजारिश करेंगे। तो जो डेवलपमेंट की टीम है उसमें सबसे पहले हैदर चौधरी साहब और सप्तान साहब का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने आके ये शो यहाँ पे शुरू किया। सप्तान भाई और हैदर भाई मेरे साथ शुरू से, चूँकि मैं भी आर्किटेक्ट हूँ भाई प्रोफेशन, हम इकट्ठे ही काम करते रहे, तो सबसे पहले उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप अपने बाकी सारे काम छोड़ के यहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाएँ, शुरू करें। फिर उनके साथ जैसे चार अफराद का जिक्र हुआ, खालिद साहब, शमशाद साहब और इमरान भाई और आरिफ साहब खड़े हैं, फिर गफ़ार सिंधु साहब ने उन्हें ज्वाइन किया, और पीछे एक अब 100-150 लोगों की टीम है जो यहाँ पे मौजूद है। और मुझे खुशी है कि अभी रिसेंटली नदीम पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले हमारे पास नदीम एजाज साहब की सरपरस्ती में इतना खूबसूरत काम हो रहा है, अब एक और नदीम साहब का इजाफा हुआ है, और ये भी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के सिपह सलार हैं और इंशाल्लाह ये लीड करेंगे और फ्रंट से लीड करेंगे, और आप लोग इनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात कि ये तगो दो, ये जस्तजू क्या सिर्फ कारोबारी है या इसके पीछे कोई मकसद भी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो मुझे अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में थोड़ी सी समझ दी कुछ बुज़ुर्गों के पैरों में बैठने से, उनकी जूतियों की खाक के फैज़ के साथ, आपसे सल्लम की हदीस है, मन अरफा नफसा हु फ़कद अरफा रब्बू हु, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और ये वो सवाल है जो मुझे अपनी ज़िंदगी के, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं तो 40वें 42वें साल में समझ आई कि इस हदीस का मतलब क्या है। और मैं अपने तई अपने आप से एक सवाल करता होता था कि अल्लाह पाक इतने सारे लोग हैं जो आपके काम के लिए, आपकी जस्तजू के लिए पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो इनमें से किसको फॉलो करना है। ये अल्लाह का एहसान है कि मैं जब 19 साल का था तो मुझे मौलाना अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह से बैत करने की तौफीक हासिल हुई, और फिर 20-22 साल हमने उनकी जूतियों में गुजारे, फिर अब उनके बेटे अब्दुल कदीर अवान साहब वो इस सिलसिले को लीड कर रहे हैं, तो एक फैज़ का सिलसिला चल रहा है, वो मौका मिला। लेकिन इस दौरान ये काविश जो है वो अंदर तंग करती रही कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान मुख्तलिफ़ जमातों में बटे हुए हैं, और पाकिस्तान में खसूसन तबलीगी जमात भी है, लश्कर तैयबा भी है, जमातुद्दावा भी है, फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जमात थी, और बहुत सारी जमातें थीं जो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रही थीं, तो इनमें से किसको फॉलो करना चाहिए। और ये जो बात है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, उसका मतलब क्या है। और ये मैं इसी तरह एक स्टेज पर खड़ा था और मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वो बात करते करते अल्लाह पाक ने वो थोड़ी सी समझ अता की, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स सब मेरे सामने, लड़कियाँ भी बैठी थी, लड़के भी बैठे थे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग थे, तो उनसे क्या ऐसी बात कही जाए कि वो इस चीज़ की
समझ जो है अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो सिर्फ इतनी सी समझ लगी कि हर किसी का अल्लाह पाक ने अपनी अबूदियत के लिए, अपनी बंदगी के लिए हर किसी का रोल डिफरेंट रखा है, और इसलिए हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से चुना है। वो डॉक्टर का रोल फ़र्क है, इंजीनियर का रोल फ़र्क है, मार्केटिंग वाले का रोल फ़र्क है, डेवलपमेंट वाले का रोल फ़र्क है। आपने इस लाइन से अपने रब को तलाश करना है। ये रोज़ी का तरीका, ये हुनर अल्लाह पाक ने आपको अता किया और इनफरादी तौर पे अता किया, और हर किसी को जितना नॉलेज और जितना मालो असबाब दिए उसी हिसाब से उसकी पूछ भी होनी है। जिसके पास कम है उससे कम पूछ होनी है। हमारे मज़दूर भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये काविश, ये जस्तजू हर किसी की ज़िंदगी में कायम रहनी चाहिए कि उसने अपने रब को तलाश करना है, उसने अपने आप को पहचानना है। और आप अगर आज यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो ये मैंने तो नहीं जोड़ा, या इस स्टेज पे बैठे किसी शख्स ने तो नहीं जोड़ा आपको ना। आप अमरे रबी हैं कि आप आज यहाँ सारे बैठे हुए हैं, तो किसी न किसी मकसद के लिए बैठे हुए होंगे। वो मकसद क्या अल्लाह पाक की ज़ात से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये आपने तलाश करना है। और मैं अपना सिर्फ गवाह हूँ, या इस स्टेज पे बैठे मैं अपने रुफका का गवाह हूँ कि नदीम एजाज साहब को, नईम एजाज साहब को मैं जानता हूँ। ये अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से अल्लाह पाक की राह में बहुत फरवानी से खर्च करते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं, मेरे से ज़्यादा खर्च करते हैं, और मैंने हमेशा इनको अपने से आगे पाया इस मामले में। और नदीम साहब के इलाके में बनती हुई मस्जिदें, इनके इलाके में कोई प्रॉब्लम लेके इनके पास आ जाए उसकी हेल्प करते हैं, रमज़ान में लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ एक हमने दस्तरखान भी लगाया, एक छोटी सी काविश है, और बहुत सारी बातें हैं। डायलिसिस का सेंटर नदीम साहब बना रहे हैं। तो जब आपको ये बात क्लियर हो कि जितनी लाखों कनाल ज़मीन है और जितनी गाड़ियां हैं और जितनी इज्जत है, ये सब यहीं रह जानी है और हमने किसी ना किसी को हैंडओवर करके चली जानी है। और ये बात हम में से हम सारे मुसलमान तकरीबन यहाँ आई एम श्योर बैठे हैं, और सब, मेरा दिल करता कभी कभी मैं स्टेज पे चढ़ के पूछूँ, आज पूछता हूँ कि आप में से जिस जिसने मरना है वो हाथ खड़ा करे। इसका मतलब इधर नईम साहब ने नहीं मरवाना, ये इसलिए हाथ खड़ा किया कि आपको याद होना चाहिए। और कहते हैं कि मौत हमेशा याद रखनी चाहिए, उससे बहुत सारा ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता। तो जब हमें ये सबको क्लियर है कि हमने मर जाना है, और वो गोलियों से नहीं मरना, वो हमने तबई मौत मरना है, या अल्लाह करे शहादत की मौत हमें मिले, तो जब हमने मर जाना और अपना सारा मालो असबाब हमने आगे हैंड ओवर कर जाना है, तो फिर ये बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये बात इस स्टेज पर बैठे तमाम अफराद को भी क्लियर है। यही वजह है कि नदीम भाई, नईम भाई और सारी मैनेजमेंट दिल खोल के, सरफराज साहब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुरबा में। मेरी ज़िंदगी का मकसद, मैं इस फील्ड में क्यों आया वो थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ, शायद उस मकसद में आप लोगों का भी कहीं अपना अपना मकसद मिल जाए इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहने का। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी खाना काबा में खड़े होके, खाना काबा पर हाथ रख के, और ये पहले भी मैंने शेयर की कि अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट से कमाए हुए माल को और इस प्रोजेक्ट से बनाई हुई दोस्तियों को इस मुल्क में और पूरी दुनिया में इस्लाम की पज़ीराई का, खिलाफत के क़याम का, इस्लाम के दोबारा अहया की बुनियाद बना दे। और मैं समझता हूँ मुझे इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में और इतनी दुश्मनियों के बावजूद, जो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसके बावजूद अल्लाह पाक इसे दिन रात और दुगनी और चुगनी तरक्की दे रहा है, मुझे और कोई वजह समझ नहीं आती कि शायद अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल कर ली है। पता नहीं हमारी ज़िंदगियों से कितना रोल लेना है, मेरी से कितना लेना है, आपसे कितना लेना है, शायद हमने एक ज़र्रा ही बनना हो, शायद आज से तीन नस्लें बाद किसी ने ये काम करना हो, लेकिन अल्लाह पाक हमें अपनी राह में कबूल फरमा लें। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी दुआ थी अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। हालाँकि हमारे इस प्रोफेशन का कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं, हमारे इस प्रोफेशन का, इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का, ये एक इतफाक़ से आज हमारे डीलर भाई भी बैठे हैं, वो अक्सर मुझे मजाक करते होते हैं कि जी भाईजान आप प्रोजेक्ट बेचते बेचते जो है वो बीच में खिलाफत को ले आते हैं, लोग जो है वो अपने प्लॉटों के चक्कर में हैं, आप खिलाफत के चक्कर में हैं, तो ऐसी बातें ना किया करें। बहरहाल क्यों ना किया करें ऐसी बातें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जान दी है और मुसलमान के घर पैदा किया है और इतनी समझ दी है, तो ये बात कब के लिए, ये मसलहत कब के लिए छुपाएँ ना। अगर अल्लाह अपनी राह में मौत दे दे तो इससे खूबसूरत और चीज़ क्या होगी। तो आप सबसे भी यही इस्तदा है, यही दुआ है कि इस प्रोजेक्ट से
मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, और आई एम श्योर स्टेज पे बैठे तमाम अफराद जो अल्लाह की रज़ा की खातिर काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। तो सिर्फ इस मकसद के लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रहें। पैसे तो आपको हर जगह मिलते होंगे, मुश्किलात भी हर जगह आती होंगी, और जैसे नईम साहब ने फरमाया कि मौत भी हर जगह आ सकती है। अगर वो यहाँ भी आनी है, मुझे आनी है, आपको आनी है, कई ऐसे लोग हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठते हैं, जब मौत आती है तो उन्हें गाड़ी के बाहर ही कोई ना कोई गोली मार देता है। ऐसी भी कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारे मुल्क में, अपने बॉडी गार्ड्स ने अपने हुक्मरानों को मार दिया, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बच सका, तो हमारी क्या औकात है उसमें। तो इसलिए मौत आनी आनी है, मौत बर हक है, उसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेंड यहाँ पे कायम हो गया था, पुलिस के आने पे हम लोग साइड से डिसंगेज हो जाते थे। इस रविश को भी इम्प्रूव करने के लिए नईम साहब ने स्पेशली पुलिस से नेगोशिएट करके, जो हमारे एक पड़ोसी प्रोजेक्ट के साथ मसला चल रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तस्फीए के मोड में, और अल्लाह पाक ने चाहा तो अच्छा फ़ैसला उसमें से बाहर आएगा और ये मुश्किलात यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। हम जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो 24/7 हमारी जान हथेली पर होती है, चूँकि अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ गई तो आप लग तो घरों को चले जाएंगे। हमने लोगों से अरबों रुपया लिया हुआ जिसका हमने हिसाब देना, और हमसे डेली की बेसिस पे हिसाब लिया जाता है। आज सुबह भी मैं और नदीम साहब हिसाब दे के आए हैं, तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हम मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, हमने इधर ही जीना मरना है। पहले प्रोजेक्ट डिलीवर करना है और उसके बाद जाना, और अब तो मुल्क से बाहर भी जाओ तो वो पकड़ पकड़ के ले आते होते हैं। तो हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए आप लोग भी मजबूत पैरों के साथ अपनी जगह खड़े रहें और इस प्रोजेक्ट के साथ दिलफशानी के साथ लगे रहें। और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि नमाज़ पढ़ा करें और हमारे लिए दुआ किया करें, इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स के लिए दुआ किया करें, तमाम जो अफराद यहाँ बैठे हैं उनके लिए दुआ किया करें कि वो खुशसलूबी से इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और ये वाकई ही ना सिर्फ इस दुनिया में हमारी निजात का बायस बने बल्कि आखिरत में भी निजात का बायस बने। जज़ाकअल्लाह खैर जी।